हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फेमस पोएम द विलेज स्कूल मास्टर पोएम लिखी गई है फेमस पोइट ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा आज की इस वीडियो में हम पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे इस पोएम में यूज हुई फिगर्स ऑफ स्पीच और उसके साथ ही हम पोएम में यूज हुए टफ वर्ड्स को भी अनलिस्ट करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पोएम का बैकग्राउंड पोएम द विलेज स्कूल मास्टर ये एक पार्ट है ओलिवर गोल्ड स्मिथ की एक लॉन्ग पोएम द डिजटेड विलेज का द विलेज वर्ड ये अपने आप में ही दिखाता है कि पोएम की सेटिंग एक रूरल बैकग्राउंड की है और पोएम में पोर्ट्री किया गया है किसी स्कूल टीचर को जहाँ तक माना जाता है कि स्कूल टीचर जो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का खुद का स्कूल टीचर थॉमस बर्न था यहाँ स्कूल टीचर की जो इमेज दिखाई गई है दैट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न But he was very much reputed and he was very much respected by the village people. So now let us start the poem. But before starting the poem, I would request you that if you like the video, if you learn anything from the video, please subscribe to the channel so that whenever a new video arrives, you can get the notification and be benefited. So now we will start the poem. Besides yon straggling fence that skirts the way.

स्ट्रेगलिंग जो कि स्ट्रे है जो कि मेन रोड से हटके है साइड में है डाइवर्टेड है और फेंस कहते हैं एक तरह की बॉर्डर को एक तरह की बाउंड्री को एक तरह के बैरियर को दैट स्कर्ट द वे स्कर्ट मेन बाउंड्री बनाना वे मेन रास्ते की विथ ब्लॉसम्ड फर्ज ब्लॉसम्ड फर्स है एक ब्यूटिफुल येलो फ्लावर्स की झाड़ी अनप्रॉफिटेबली गे और वो फ्लार्स जो अनप्रॉफिटेबली गे हो चुके हैं अनप्रॉफिटेबली विदाउट एनी प्रॉफिट गे इन हैप्पी और कलरफुल स्टूडेंट्स पोएम की शुरुआत से पहले हम जानेंगे कि ये जो डिजर्टेड विलेज था ये विलेज जो यहाँ की पहले बहुत सारे लोग रहते थे लेकिन अब ये लोग किसी न किसी वजह से माइग्रेट हो चुके हैं सिटीज की तरफ तो अभी गांव जो है वो पूरी तरह से डिजर्टेड हो गया डिजर्टेड यानी सुनसान हो चुका है तो अभी यहाँ कोई भी नहीं रहता तो बताया गया है कि एक रास्ता एक रास्ता जो कि मेन सड़क थी उसी के किनारे किनारे फेंस लगाकर बाड़ लगाकर एक बाड़ जो कि स्कर्ट कर रही है कवर कर रही है किससे येलो कलर के फ्लावर से येलो कलर के फ्लावर से।, से जो एक बाउंड्री बना रही है मेन रास्ते से स्ट्रगल होकर साइड होकर यानी मेन रोड से अंदर की तरफ आती हुई एक फेंस है वो फेंस जिस, जिस पर की कवर है वो बाढ़ जिस पर की कवर है, है येलो कलर के फ्लावर्स का और फ्लावर्स को अनप्रॉफिटेबली ये कहा गया है कि ये हैप्पी है ये कलरफुल है ये मतलब हैप्पी एंड कलरफुल लेकिन अनप्रॉफिटेबली बिना बेनिफिट के बिना बेनिफिट के क्यों है ये फ्लावर्स क्योंकि अभी नहीं इनकी ब्यूटी को देखने वाला कोई भी नहीं है और उसी फैंस उसी बाढ़ के बिसाइड साइड में देयर इन इज नोजी मैंशन मीन सड़क के किनारे थोड़ा अंदर की तरफ वहाँ जहाँ बाढ़ लगी हुई है वहाँ वहाँ जहाँ येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं वहाँ अपने नोयजी मेंशन में नोएजी यानी शोर शराबे से भरा और मेंशन मेंशन होता है महल किला या लग्जरियस हाउस यहाँ किसको कहा गया है स्कूल को कि एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि नोएजी थी और नोएजी होती है शोरगुल से भरी ओब्वियसली एक स्कूल जो है हम इमिस कर सकते हैं कि स्कूल जो है वो हमेशा शोर शराबे से भरा ही होता है अपने उस नोएजी मेंशन में अपने उस शोर भरे घर में या अपने शोर भरी बिल्डिंग में स्किल्ड टू रूल वो पर्सन जो स्किल्ड जो सीखा ही था रूल करना राज करना क्योंकि एक टीचर जो है अपने बच्चों को रूल ही करता है कंट्रोल ही करता है द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल और वहाँ विलेज मास्टर जो है वो अपने छोटे से स्कूल को पढ़ाता था यानी एक अपने नोएजी से मेंशन में अपने नोएजी से बड़ी बिल्डिंग में विलेज का मास्टर जो था अपने बच्चों को छोटा सा स्कूल था मीन छोटे से थोड़े से बच्चे थे वो उन्हें पढ़ाता था और ये स्कूल कहाँ था रोड के साइड में आकर अ मैन सीवियर ही वॉच एंड स्टर्न टू व्यू आई न्यू हिम वेल एंड एवरी ड्रांट न्यू स्पीकर जो है यहाँ कहता है आई अ मैन सीवियर ही वॉच ही वॉच अ सीवियर सीवियर मीन स्ट्रिक्ट मैन वो एक बहुत स्ट्रिक्ट मैन था जिससे कि अक्सर टीचर्स की इमेज आती है एंड स्टर्न टू व्यू व्यू करने के लिए देखने के लिए भी वो बहुत स्टर्न लगता था मतलब हार्ड लगता था उनको देख कर भी ऐसे लगता था एज इफ ही इज वेरी हार्ड आई न्यू हिम वेल स्पीकर जो कि अपने बचपन की यादों को याद कर रहा है वो कहते हैं मैं उन्हें अच्छे से जानता था एंड एवरी ट्रोंट न्यू और मैं ही नहीं स्कूल का हर ट्रों ट्रोंट होता है वो बच्चा जो कि स्कूल से एबसेंट होता है विदाउट परमिशन कि हर बच्चा जो कि बिना परमिशन के स्कूल से एबसेंट होता था सिर्फ मैं ही नहीं वो भी उन्हें अच्छे से जानता था क्यों क्योंकि वो विज स्कूल मास्टर जो है ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट्स वाई बच्चे जो है उनसे डरते थे हर बच्चा उन्हें अच्छे से जानता था वेल हैर दॉर्डिंग ट्रेम्बलर्स लर्न टू ट्रेस बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स मीन वो बच्चे जो कि उनके नाम से ही ट्रेम्बल करते थे काँपते थे वेल हैर दॉर्डिंग ट्रेम्बलर्स लर्न टू ट्रेस बहुत ही अच्छी तरह से बहुत वेल well वे से बहुत ही अच्छी तरीके से वो बॉर्डिंग ट्रेम्बलर्स जो है वो कम कपाते हुए बच्चे जो है टीचर के डर से कांपने वाले बच्चे जो है लर्न सीख गए क्या सीख गए टू तो ट्रेस ट्रेस करना ट्रेस करना ढूँढना निशान ढूँढना किस चीज़ के द डे इज डिजास्टर्स इन इज मॉर्निंग फेस दिन के डिजास्टर डिजास्टर होता है वैसे अनएक्सपेक्टेड कोई अनलक्की इवेंट कोई गलत काम उनका मॉर्निंग फेस देखते ही बच्चे सीख गए उन अपने दिन का अनुमान लगाना मतलब वो टीचर के चेहरे को देखते ही इस अनुमान लगा लेते थे कि आज टीचर को गुस्सा आ रहा है और कुछ बुरा होने वाला है फुल वेल द लाफ्ट विद काउंटर फीटेड ग्ली फुल वेल द लाफ्ट और बहुत ही अच्छी तरह से वो हंसते थे विद काउंटर फिटेड ग्ली काउंटर फिटेड ग्ली मीन फेक जॉय नकली खुशी वो बच्चे नकली खुशी नकली दिखावे की खुशी से हंसते थे एट ऑल हि जोक्स टीचर के सारे जोक्स पर मीन फेक हैप्पीनेस के साथ शो ऑफ के साथ हैप्पीनेस के शो ऑफ के साथ वो बच्चे हंसा करते थे टीचर की जोक पर अपने उस स्कूल मास्टर की जोक पर फॉर मैनी अ जोक हैड ही क्योंकि स्कूल मास्टर के पास बहुत सारे जोक थे और जब भी वो कोई जोक सुनाता तो वो बच्चे डर से ही हंसते थे नकली हंसे ये दिखाने के लिए मानो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से वो जोक समझ आया फुल विस्पर सर्कलिंग अराउंड द टाइडिंग्स आयान ही ही मीन जैसे ही टीचर को गुस्सा आता तो बीजे विस्पर जो थी स्कूल के सभी बच्चे विस्परिंग साउंड में विस्परिंग मीन फुसफुसाने की आवाज में सर्किलिंग राउंड 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 सर्किल में जो बच्चे बैठते थे वो कन्वे कर देते थे कन्वे करना मैसेज पास करना द डिसमल डिसमल टाइडिंग्स डिसअपॉइंटिंग या डिप्रेसिंग टाइडिंग्स मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे ही टीचर को गुस्सा आता तो बच्चे जो है एक के बाद एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर देते कि यस टीचर को गुस्सा आ गया अब कुछ पूरा होने वाला है येट ही वॉज काइंड स्पीकर जो कि अब उन बातों को याद करता है एक बच्चे के तौर पर टीचर उसे स्ट्रिक्ट लगते थे लेकिन अभी वो मानता है कि ही वॉज काइंड स्पीकर के माइंड में बहुत अच्छी इमेज है अपने उस टीचर की और वो कहते हैं ही वॉज काइंड वो काइंड थे दयालु थे एंड इफ सीवियर इन ऑट इन ऑट इन ऑट मीन इन एनी अगर वो किसी चीज़ में सीवियर भी थे स्ट्रिक्ट भी थे तो वो क्या चीज़ थी द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट वो जो लव उनके मन में था किस चीज़ के लिए लर्निंग के लिए सीखने के लिए नॉलेज के लिए वही उनकी फॉल्ट थी वही उनकी गलती थी मीन उन्हें लर्निंग से बहुत ज़्यादा प्रेम था ये सिर्फ कहने का तरीका हुआ कि वो उनकी गलती थी उन्हें लर्निंग से बहुत ज़्यादा प्रेम था और उसी वजह से वो चाहते थे कि उनके सभी बच्चे भी लर्निंग करें अच्छे से अच्छे नॉलेज लें और इसी वजह से वो गुस्सा होते थे अदरवाइज ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन सो विलेज स्कूल मास्टर की जो है यहाँ इमेज प्रेजेंट की गई कि विलेज स्कूल मास्टर उस नोएजी मैंशन में अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे दिखने में भी और बिहेवियर में भी और बच्चे उन्हें देख के डरते थे और वो उनके चेहरा देख के अनुमान लगा लेते थे कि आज दिन में क्या बुरा होने वाला है और उस वजह से जो है वो आ, टीचर के जोक पर भी नकली हंसी से हंस दिया करते थे और जैसे टीचर को गुस्सा आता तो वो एक न्यूज़ की तरह पूरे रूम में सर्कुलेट हो जाता था और टीचर हालांकि काइंड था स्पीकर खुद मानते हैं कि टीचर काइंड थे और उनकी अगर कोई गलती थी तो वो क्या थी कि उन्हें लर्निंग से बहुत ज़्यादा लव था और वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी लर्न करें इसलिए वो उनके लिए स्ट्रिक्ट रहते थे द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू इट वॉज सर्टिन ही कुड राइट एंड साइफर टू हालांकि विलेज विलेज मीन यहाँ विजेस ऑल द विज विज ऑल मीन ऑल द विज डिक्लेयर उन्होंने सबने गाँव वालों ने डिक्लेयर कर दिया था हाउ मचिन यू कि वो कितना जानते हैं मीन गाँव वालों के मन में उनकी इमेज थी कि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं इट वॉज सर्टिन और ये सबको सर्टिन था सबको श्योर था कि वो टीचर जो है ही कुड राइट वो अच्छे से लिख सकता है एंड साइफर टू साइफर मीन मैथेमेटिक्स और कैलकुलेशन कि वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं लेंस ही कुड मीजर वो लेंस को भी मिजरमेंट कर सकते थे जमीन भी नाप सकते थे टर्म्स एंड टाइट्स प्रिसेज इवन वो टर्म्स एंड टाइट्स को प्रिसेज भी कर सकते थे प्रिसेज करना मतलब भविष्यवाणी करना टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनके बारे में बता सकते थे इवन टाइट्स एंड आने वाले इवेंट्स के बारे में भी वो बता सकते थे एंड इवन द स्टोरी रेन यहाँ तक कि लोगों में ये स्टोरी भी दौड़ गई ये स्टोरी भी थी ये भी बात मानते थे लोग दैट ही कुड गॉज कॉज होता है टू कैलकुलेट मोर कॉम्प्लेक्स थिंग लाइक एक ग्लास uh, बॉटल में ही लिक्विड को देखते ही वो उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं तो लोगों के मन में ये भी थी कि वो और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इन आर्ग्यूइंग टू इवन इन आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट मीन डिबेट इवन इन डिबेट द पर्सन ओन हिज स्किल ज स्कूल मास्टर जो बहुत है बहुत ज्यादा स्किलफुल है फॉर इवन दो वैंकविस्ट क्यों क्योंकि यदि वो किसी व्यक्ति से डिबेट कर भी रहा होता था विलेज स्कूल मास्टर तो चाहे वो वैंकविस्ट यानी वैंकविस्ट मतलब हरा दिया गया हो चाहे वो सामने वाले से हार भी जाता ही स्टिल तो भी विलेज स्कूल मास्टर आर्ग्यूमेंट अपना जारी रखते अराउंड वो वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ लर्नड लेंथ मीन लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स लंबे लंबे लैंग्वेज एंड साउंड अपनी गरजती हुई आवाज से अमेज्ड द गेजिंग रस्टिक्स अमेज कर देते चौंका देते थे विज स्कूल मास्टर गेजिंग घूरते हुए रस्टिक्स है ग्रामीणों को रैंक अराउंड वो ग्रामीण जो रैंक डराउंड चारों तरफ इकट्ठे हुए होते थे वो ग्रामीण जो है विज स्कूल मास्टर के लंबे लंबे वर्ड्स को सुनकर अमेज्ड हो जाते थे चौंक जाते थे उन्हें लगता था कि ये मैन बहुत नॉलेजेबल है दैट वन स्मॉल हेड कुड सॉरी एंड स्टिल द गेज एंड स्टिल द वो लोग गेज करते रहते घूरते रहते और उनका वंडर ग्रो हो जाता रहता है वो आश्चर्य करते रहते दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू कि कैसे एक स्मॉल हेड एक छोटा सा सिर इतना सारा नॉलेज कैसे कैरी कर सकता है गांव के लोगों की सीधी साधी इमेज प्रेजेंट की गई कि गांव के लोग बहुत भोले भाले थे और उन्हें लगता था कि विलेज स्कूल मास्टर सब कुछ जानता है वो सब कुछ कर सकता है इवन जब वो आर्ग्यूमेंट्स में किसी डिबेट में सामने वाले पर्सन से हार भी जाते तो भी वो बोलना बंद नहीं करते और अपने लॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करते रहते उनकी दमदार आवाज़ होती थी जिससे गाँव वालों को लगता था कि आदमी सब कुछ जानता है और उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा दिमाग इतना सब कुछ कैसे जान सकता है बट पास्ट इज ऑल इज फेम लेकिन स्पीकर का मानना है कि उनकी सारी फेम अब पास्ट हो चुकी है उनकी जो प्रसिद्धि थी गांव में वो अब बीत चुकी है द वेरी स्पोट वेयर आर मैनी अ टाइम ही ट्राइव्ड इज फो कि वो स्पोर्ट वो बिल्कुल वो जगह है वो स्कूल जहाँ बहुत बार वो ट्राइफ्ट यानी जीते थे आर्ग्यूमेंट्स में या फिर अपने स्कूल के बच्चों में इज फोकोट वो अब बुला दिया गया यानी वो विलेज छोड़कर लोग जा चुके हैं और जो है उस विलेज को अभी सभी लोग भूल गए हैं सो स्पीकर हियर प्रेजेंट्स प्रजेंट्स द इमेज ऑफ अ स्कूल टीचर और जहाँ तक माना जाता है कि ये इमेज जो है एक रियल स्कूल टीचर थॉमस बर्न से इंस्पायर्ड थी एक ऐसे टीचर जो कि अपने बच्चों में तो स्ट्रिक्ट की इमेज में थे लेकिन गांव वालों के लिए माना आ, मानते थे कि गांव वाले उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मानते थे और वो अक्सर अमेज्ड भी होते थे कि एक छोटा सा दिमाग इतनी सब चीज़ें कैसे जान सकते हैं सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द पोएम अब हम डिस्कस करेंगे इस पोएम में यूज हुए फिगर्स ऑफ स्पीच सबसे पहले यूज हुआ एलिट्रेशन एलिट्रेशन आप जानते हैं जब वर्ड्स के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है जैसे टर्म्स एंड टाइड्स टी और टी दो बारिक्स रेंड आर आर दिस इज एलिट्रेशन एनाफोरा जब आसपास की दो लाइन्स सेम वर्ड से शुरू हो फुल वेल दे लाफ्ट फुल वेल द बिजी ये दोनों लाइंस जो है फुल वेल से स्टार्ट हुई है तो यहां एनाफोरा होगा सिनेक डेकी सिनेक डेकी इज अ लिटरेरी डिवाइस जिसमें किसी एक पार्ट का रिप्रेजेंट किया जाता है होल को दिखाने के लिए होल का रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट को दिखाने के लिए सपोज कहा जाए वन हैंड इज़ वर्किंग एक हाथ काम कर रहा है इसका मीन एक हाथ तो काम नहीं कर सकता एक इंसान काम करता है तो एक इंसान को दिखाने के लिए उसके एक पार्ट का यूज़ कर लिया तो वो क्या हुआ सिनिकटे की तो यहाँ भी विलेज यूज़ किया गया द तो विलेज ऑल तो यहाँ विलेज ऑल का मीन ऑल द विलेजर्स पार्ट को दिखाया गया होल से तो ये हुआ सिनेकड डे की उसके बाद इमेजरी इमेजरी जब भी हमने देखा पोएम में बहुत सारी चीजें ऐसे बताई गई है जिनको पढ़ के हमारे माइंड में कोई ना कोई इमेज आई है कोई ना कोई सीन क्रिएट हुआ है कोई ना कोई दृश्य हमारे दिमाग में बना है दैट इज कॉल्ड इमेजरी राइमिंग कपलेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह कि इस पोएम में जो लाइम्स है वो ए ए बी बी सी सी चल रही है दो दो लाइन्स आपस में राइम कर रही है जैसे स्पॉट फॉर गुड तो ये पोएम राइमिंग कपलेट में है एंड स्टॉप लाइन एंड स्टॉप लाइन का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस जो है लाइन के एंड में ही पोज हो जाता है आगे नहीं जाता जैसे पंक्चुएशन हो जाता है या तो फुल स्टॉप या कोमा सेंटेंस एंजॉमेंट की तरह आगे नहीं जाता सिज्यूरा सजूरा क्या होता है पंक्चुएशन इन द मिडिल ऑफ अ लाइन किसी लाइन के एकदम बीचों बीच, बीच पंक्चुएशन माँ कोमा वगैरह आ जाए तो वो सजूरा कह रहे हैं येट ही वॉज काइंड सेमी कॉलन और इफ सीवियर इन ऑट तो लाइन के बीचों बीच दो फ्रेजेस में के बीच में पंक्चुएशन आ गया वो सजोरा कहलाएगी देन स्पीकर टोन ऑफ स्पीकर कैसे है यहाँ बोलने वाले पर्सन की टोन कैसी है लव्स द स्कूल मास्टर पोएम इज अ डेडिकेशन टू हिम यस वो स्पीकर जो अपने स्कूल मास्टर को लव करता है और इस पोएम को उन्होंने अपने टीचर को डेडिकेट किया जैसे कि मैंने पहले भी बताया की पोएम जो है माना जाता है कि एक इमेज प्रेजेंट कर रही है थॉमस बर्न नाम के एक स्कूल टीचर के लिए तो दीज वर द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम नेक्स्ट एंड लिस्ट किए गए हैं वो वर्ड्स दैट आर टफ टू यूज एंड दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोयम जो आपको जानने हैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ एनलिस्ट कर दिए हैं नेक्स्ट पोइट के बारे में ओलिवर गोल्ड स्मिथ दैट वॉज बोर्न इन सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी एट टू अप्रैल फोर सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर आयरिश नॉवलिस्ट रहे हैं प्ले राइटिंग एंड ड्रामेटिस्ट रहे हैं पोइट रहे हैं हु इज बेस्ट नोन फॉर इज नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड इज पेस्टोरल पोएम द विज विलेज, जिसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी एंड इस प्लेज द गुड नेचर मैन एंड शी स्टूप टू कॉन्क्वर फर्स्ट परफॉर्म इन सेवनटीन सेवेंटी थ्री ही इज थ्रोट टू हैव रिटर्न द क्लासिक चिल्ड्रन्स टेल द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज सो स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी आपने इसे अंडरस्टैंड किया है फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने देखा है लिटरेरी एप्रिशिएशन एक तरह से हमने इस पोएम का किया है सो आई होप दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड द पोएम एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जाम्स सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाई द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप एन्जॉइंग लिटरेचर कीप लविंग लिटरेचर थैंक यू